नमस्कार दोस्तों, अगर आप दुर्बल आय वर्ग में आते हैं और अब पीएम आवास योजना शहरी में अप्लाई करना चाहते हैं, तो दोस्तों एक पीएम आवास योजना शहरी का पंजीकरण इस समय चल रहा है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसमें टोटल भवनों की संख्या जो है 528 है, और इसके अलावा दोस्तों इसमें जो टोटल भवन की कुल लागत है 6 लाख रुपया है। भवनों की कीमत घट या बढ़ सकती है। भवनों की जो सुपर एरिया है 22.77 वर्ग मीटर है, और पंजीकरण राशि आपको जमा करनी होगी 5,000 रुपया, वो भी ऑनलाइन जमा करनी होगी। अब हम बताते हैं आपको एलिजिबिलिटी के बारे में। आप इसमें एलिजिबिलिटी, आपकी आयु जो है 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अब दूसरा, आपका जो आपके पास कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए, आपके माँ बाप के पास कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए। अगर आप विवाहित हैं तो आपके पास कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए। अविवाहित हैं, अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आपके माता पिता के पास कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए। तो ये सारी कंडीशन है, और आपके क्योंकि ये स्कीम गाजियाबाद की है पीएम आवास योजना की, तो आप इसमें जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और गाजियाबाद का निवासी होना जरूरी है नगर निगम का। तो ये अपडेट है, और इसमें जो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जो लास्ट डेट है 9/7/2022 तक, आप इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप गाजियाबाद में रहते हैं और गाजियाबाद के निवासी हैं नगर निगम के, तो आप इस स्कीम में अप्लाई कीजिए। और इस स्कीम का नाम है पीएम आवास योजना आरआजी संख्या 2262, ग्राम निवाड़ी, मोदी नगर, तहसील गाजियाबाद। तो दोस्तों ये पीएम आवास योजना का रजिस्ट्रेशन कर चल रहा है, तो आप इसमें जरा सा भी देरी ना करिए। इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की, इसमें रजिस्ट्रेशन करवाने की 9/7/2022, और इसमें जो पीएम आवास योजना का आवंटन जो होगा सुधा द्वारा सत्यापित, जो सत्यापन के बाद जो लोग सही पाए जाएंगे उनको ही लॉटरी प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अगर मेरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, घंटी में जो ऑल का ऑप्शन है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।